अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जब्बार टेस्ट पॉइंट पी के। आज हम उर्दू के एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर वन है, जुगत उस्ताद से क्या मुराद है। ऑप्शन इसका वन है मज़ाया, ऑप्शन टू है नाअहल, ऑप्शन थ्री है कारीगर, ऑप्शन फोर है संजीदा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन थ्री कारीगर। अगला सवाल है, हज़रत मिकाईल का असल नाम क्या है। इसका ऑप्शन एक है अब्दुर्रहमान, ऑप्शन दो है अबैदुल्ला, ऑप्शन तीन है अब्दुल्ला, ऑप्शन चार है सबीउल्ला। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन टू अबैदुल्ला। अगला सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद की किस सूरत में सबसे ज़्यादा बार आया है। ऑप्शन एक है सूरत अल बकरा, ऑप्शन दो है सूरत अल इमरान, ऑप्शन तीन है सूरत अल इब्राहिम, ऑप्शन चार है सूरत अल हज। इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन वन सूरत अल बकरा। अगला सवाल है, छठा आसमान किस चीज़ का बना हुआ है। ऑप्शन एक है चांद का, ऑप्शन दो है सोने का, ऑप्शन तीन है सफ़ेद जमर्द का, ऑप्शन चार है सफ़ेद मोती का। इसका जो जवाब है ऑप्शन दो सोने का। अगला सवाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों पर उठाए गए तो इस वक्त उनकी उम्र क्या थी। ऑप्शन वन है 31 बरस 5 माह, ऑप्शन टू है 34 बरस और 9 माह, ऑप्शन थ्री है 33 बरस और 7 माह, ऑप्शन फोर है 32 बरस और 6 माह। इसका जवाब है ऑप्शन फोर 32 बरस और 6 माह। अगला सवाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत कितने माह रही। इसका ऑप्शन वन है 42 माह तक, ऑप्शन टू है 31 माह तक, ऑप्शन थ्री है 40 माह तक, ऑप्शन फोर है 30 माह तक। इसका जो राइट ऑप्शन है दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन फोर 30 माह तक। अगला सवाल है, सबसे पहले हौज़े कौसर के मकाम पर हुजूर की खिदमत में कौन हाज़िर होंगे। ऑप्शन वन है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन टू है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन थ्री है हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन फोर है हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह ताला बिन हसीन। इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन टू हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगला सवाल है, जंग बदर में अबू जहल के कत्ल के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तलवार किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई। ऑप्शन वन है हज़रत ज़ुबैर इबन अल अवाम, ऑप्शन टू है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन थ्री है हज़रत अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन फोर है हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन टू हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगला सवाल है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में कहा है कि वो जिस घर में पढ़ी जाएगी तो वहाँ से शैतान भाग जाता है। ऑप्शन वन है सूरत जिन, ऑप्शन टू है सूरत यासीन, ऑप्शन थ्री है सूरत अल रहमान, ऑप्शन फोर है सूरत अल बकरा। इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन फोर सूरत अल बकरा। अगला सवाल है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी में कितने हज अदा किए। ऑप्शन वन है 51, ऑप्शन टू है 52, ऑप्शन थ्री है 53, ऑप्शन फोर है 55। इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन फोर 55 हज अदा किए। अगला सवाल है, ग़ज़वा उहद में किन सहाबी ने आखिरी सांस लेते वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया था। ऑप्शन वन है हज़रत साद बिन रबी, ऑप्शन टू है हज़रत तमीम बिन औस दारी, ऑप्शन थ्री है हज़रत खुज़ैमा बिन साबित, ऑप्शन फोर है हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला अल अहनाम। इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन वन हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
अगला सवाल है, वो कौन से नबी थे जिसकी दुआ से चश्मों, दरियाओं और नहरों का पानी खून बन गया था? ऑप्शन वन है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन टू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन थ्री है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन फोर है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन फोर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अगला सवाल है, पांचवां आसमान किस चीज़ का बना हुआ है? ऑप्शन वन है चांदी का, ऑप्शन टू है सोने का, ऑप्शन थ्री है सफ़ेद जमर्द का, ऑप्शन फोर है सफ़ेद मोती का। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन वन, चांदी का।